इस नादान की बात का बुरा मत मानिएगा, बाल परी। बाल परी नहीं, काल परी। काल परी, ये नया नाम, ये नई पहचान और ये नया पहनावा बहुत खूब जच रहा है आपके ऊपर काल परी। स्वागत है आपका काल लोक में। काल परी होने के नाते आपका बस एक ही फर्ज है कि बाल परी के बताए हुए नेकी और अच्छाई के रास्ते पर चलने वाले हर इंसान को खत्म कर देना, फिर चाहे वो बालवीर हो, वीर लोक हो या वहां की परियां, ये पृथ्वी और वो उत्तराधिकारी, इन सबको मारने में तुम्हारा साथ देगा मेरा बनाया हुआ अभेद शक्ति अस्त्र। काल लोक के पाताल में छुपी है एक ऐसी असीम शक्ति जो बाहर आने के लिए बेताब है। करोड़ों ज्वालामुखी के बराबर इस शक्ति का इस्तेमाल करके मैं इस पूरी दुनिया को भस्म कर दूंगी। जो आसपास बहुत ही बड़ी काली शक्ति होने का आभास हो रहा है। कहीं तिमना सर वापस तो नहीं आ गई? चिंटू को कैसे वापस लाऊं? पहली बार चिंटू के गायब होने में मुझे टेंशन हो रही है। मजाक मत करो भैया, कहाँ? आवाज तो आ रही है बट नजर नहीं आ रहे हो। फालतू जला तू चिंटू है फालतू, लेकिन वापस आ तू। अरे यहीं तो हूँ चिंटी, तुम क्यों मजाक कर रही हो? मेरे भैया पानी में चीनी की तरह घुल गए। आवाज आ रही है लेकिन नजर नहीं आ रहे। अरे चिंटी रोना बंद कर, तेरे सामने ही तो खड़ा हूँ तब से। हाँ अब तो सामने ही हो, बट पहले क्यों नहीं थे? चिंटी, चिंटू, क्या हुआ चिंटी? चिंटू तो यही था कब से। हाँ तुमने दिखाई नहीं दिए। तुमने एक काम करो, तुम गाजर खाना शुरू कर दो। गाजर खाने से ना आंखों की रोशनी एकदम तेज हो जाती है। हाँ भैया चलो गाजर खाने चलते हैं। चल चिंटी। विवान क्या था ये? वो शेर शेर ने बोला था ना कि प्रैक्टिस करनी है, तुमने वही तो कर रहा था। इसी अच्छे खासे इंसान को गायब करने नहीं बोला था, अगर तुम्हें अभ्यास करना ही है तो हमारे सामने करो, समझे? ठीक है चलो। मेरा अंदाजा सही था, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। यहाँ से वापस लेकर जरूर जाऊंगा। मेरी सर्वकाल साधना से जन्मी अखंड प्रचंड शक्ति, बाहर आओ और समा जाओ मेरे शस्त्र में। तुम
नासा को यह सर्वकाल शक्ति हासिल करने से मुझे रोकना होगा, लेकिन उससे पहले तुम नासा की वश से मुझे मां को आजाद कराना होगा। जिस तरह चुंबक लोहे को खींचता है, उसी तरह ये काली ऊर्जा मां के अंदर समाई काली शक्ति को अपने आप खींच लेगी। शायद भूल गई है कि मैं आपका बेटा हूं, लेकिन मुझे याद है कि आप मेरी मां हैं। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको किसी भी बुरी शक्ति की कठपुतली नहीं बनने दूंगा। बस कुछ देर और, उसके बाद सिर्फ अंधकार ही देख पाएगा तू। भैमार, अपनी जुबान नहीं, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो। खत्म कर दो इस लड़के को। मैं मां पर हमला करने नहीं, बल्कि उनकी बुरी शक्तियां निकालने आया। दुश्मन तीन, ये तो बहुत नाइंसाफी है। जब नन्ही उंगली की कसम, इसकी तो वो शुरू हो गई उल्टी गिनती। पांच, चार। एक तरफ माँ को बचा कर ले जाना है और दूसरी तरफ तिम्नासा के उस अभेद यंत्र को भी नष्ट करना है। अब वक्त आ गया है अपनी योजना से काम लेने का। तीन, बालवीर वो भी एक साथ है? हाँ, बड़े सही टाइम पर आया है। आ जा, ये ले, ये पी। ये क्या है? नीम करेले का जूस है। नीम करेले का?
लेकिन ये मुझे क्यों पिला रहे हो? मैंने क्या गुनाह कर दिया? मैंने ना पेपर में पढ़ा था आज कि पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, उससे बच्चों की सेहत पे बुरा असर पड़ रहा है, इसलिए तेरे लिए ये बनाया है। इससे ना तेरा खून भी साफ हो जाएगा और तेरी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। मम्मी, पॉल्यूशन से बचने के लिए तो पेड़ लगाने चाहिए, पर अब तो मेरे पेट में ये जंगल उगाना चाहती। अरे बोलो नहीं सुनो और चुपचाप पियो इसे। चल पी, मैं आ रही हूँ अभी। ठीक है, ये जूस तो मैं कभी नहीं पी सकता। बहुत कड़वा था, अब खुश? होशियारी मत कर विवान, इतनी सी देर में तो दूध नहीं पी सकता, तो नीम करेले का जूस कैसे पी गया? सब समझती हूँ मैं, ये ले दूसरा ग्लास, अब इसे पी। मम्मी तो जूस पिला कर ही मानेगी, अब क्या करूँ? अरे क्या सोच रहा है, पी ना। हम पी रहा हूँ। हाँ शाबाश। देख रही हूँ मैं। हाँ पी रहा हूँ। क्यों ना लुप्तगुप्त जादू का इस्तेमाल करके मम्मी के दिमाग से जूस पिलाने का आइडिया ही गायब कर दूँ। आइडिया के साथ मम्मी का सर भी गायब कर दिया मैंने तो। मम्मी आप ठीक तो हो ना? मुझे क्या होगा, बात को घुमाने की कोशिश मत कर विवान, चल जूस पी। ना पी रहा हूँ। थैंक यू भगवान जी, मम्मी का सर सही सलामत है। विवान अब तो तू चाहे हनुमान चालीसा पढ़ ले, तुझे तो ये पीना ही पड़ेगा। हाँ लुप्तगुप्त गलती हुई पर कर दो वापस मम्मी का सर। मेरा सर मत गरम कर विवान, पी से। सर ही तो नहीं है आपका। क्या? कुछ नहीं, परियों को बुलाकर लाता हूँ, वही ठीक कर सकती है। ये सर में तो आंखें भी फिट होती है, हो सकता है मम्मी देख ही ना पाए। कुटे गली? अरे मेघा जी, मेघा जी मैं आप ही को ढूंढ रहा था। कहाँ थी आप? क्यों ढूंढ रहा था? अरे हाँ ये 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 पट्टी नहीं नहीं ये देखिए, कैसा लग रहा मैं? अरे वाह कानून जी, आप तो बहुत ही अच्छे लक्षी लग रहे हैं, ऐसा हम बोलने ही वाले थे। पर क्या है ना, हमें झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता है। मतलब? तो मतलब है कि हमें ना मूंछ वाले इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या? वो चेहरा ऐसा लगता है ना कि गुड़ के ऊपर मक्खी। गुड़ के ऊपर मक्खी? अरे नहीं 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 कानू जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अच्छे लग रहे हैं। शेर की भी मूंछें होती है, शानदार होती है मूंछ। सुनिए, शान नहीं निशानी होती है बुढ़ापे की। मुझे तो लगता है आप बुढ़े हो चुके हो गिर पड़ी जी, है ना? बुढ़ा माता रा?
क्यों रही हो? चलो मेघा, अरे चलो, अरे भागो नहीं, रुको। अरे मम्मी को सब दिखाई दे रहा है। चुपचाप जूस पियो। पर क्या हुआ बहू बेटा, विवान इतनी ऊंची ऊंची तान क्यों छेड़ रहा है? अगर दादाजी ने मेरा ये वाला कारनामा देख लिया तो मेरा बैंड तो बाद में बजेगा, दादाजी का क्या होगा पता नहीं। अरे इधर उधर क्या देख रहा है? क्या कर रहा है विवान? अरे वाह विवान, बिन बारिश छाता, वो भी घर के अंदर। अरे पापा जी, अभी तो ये जूस ना पीने के लिए नाटक कर रहा है। वो बारिश आ रही थी, मेरा मतलब आने वाली है। हाँ वैसे मैंने न्यूज में सुन रहा था अगले 24 घंटे में बहुत तेज बारिश आने वाली है। हाँ वैसे ही था। वाह 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 बेटा वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दुर्घटना तो घट चुकी है दादाजी। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि ये छतरी टूटी हुई है तो अब बाद में इसे रिपेयर करवा के ले आइएगा ना। अरे बोलो नहीं, सुनो कहाँ टूटी है छतरी, दिखा। नहीं मैं लेकिन बंद मत कर लवली। अरे बंद मत कर। अरे ठीक ठीक तो है, बंद मत कर लवली। अरे छोड़ो, नहीं बंद मत कर लवली। अरे छोड़ इसे विवान। गई भैंस पानी में। हे भगवान, 11:30 बज गए। देर हो गई, मंदिर में पूजा शुरू हो गई होगी। अरे विवान, अपनी मम्मी को परेशान मत करना। हाँ दादाजी, नहीं करूंगा। चलो फटली, चाहे जो हो जाए तुझे जूस तो पीना ही पड़ेगा। पी इसे। आ मम्मी, मेरा खाने को खिलौने की चाबी नहीं है। पी ना फिर। ये ले। पी रहा हूँ। पी, देख क्या रहा है। करुणा जी, क्या आप घर पे हैं? हाँ हाँ पद्मिनी जी, आइए आइए, मेरे घर में मैं नहीं मिलूंगी तो कौन मिलेगा। हे भगवान, अब कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरी। दादाजी गए तो पद्मिनी आंटी आ गई, अब मैं क्या करूं। काश मस्ती परी और वायु परी मेरे साथ होते। दादाजी। हाँ बोलो। दादाजी आपने विवान को देखा है? क्या बात कर रही हो, बिल्कुल देखा है। जब जब वो मेरे सामने आया है तब तब मैंने उसे देखा है, क्योंकि देखने के मामले में मेरी आंखें बहुत ही तेज हैं। पूछो कैसे। पूछ लिया तो यही खड़े खड़े रात हो जाएगी। वो हम बाद में पूछते हैं, अभी हमें। बाद में क्यों, किसी महान ज्ञानी ने कहा है, कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। अरे कहाँ चली गई सब। चलो मैं मंदिर जाता हूँ। भारत नगर में टाइम से नल में पानी नहीं आता तो परियां कहाँ से आएगी। अब मुझे कुछ तरकीब लगानी होगी। अरे विवान, आधा ग्लास जूस पीने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, पूरा पीना पड़ेगा। विवान कहाँ जा रहा है? तू क्या कर रहा है? बेडशीट करके अंदर ही सुखा रहा हूँ। अरे करुणा जी, ये देखिए मैं पेड़े लाई हूँ आपके लिए। एक अच्छी खबर है, मुझे ना फैक्ट्री में नौकरी मिल गई है। अरे वाह, बधाई हो पद्मिनी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। कहाँ गए आप, और ये चद्दर क्यों बीच में सुखाई है? अरे ये मैंने नहीं विवाह।
चाहिए। विमान, अरे वैसे काम कब से शुरू हो रहा है तुम्हारा? अरे काम तो मेरा आज से ही शुरू हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम दोनों ना लुक्का छुपी खेल रहे हैं। मुंह खोलिए ना, मुझे आपको पेड़ा खिलाना है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ जिताती हूँ। संभल के विमान। हाँ, गिर गए। आप फिसल जाएंगे और आपको चोट लगेगी। एक काम कीजिए, ये पेड़े मुझे दे दीजिए, मैं मम्मी को खिला दूंगा, आप चिंता मत करो। अरे ओ पद्मिनी ने बहन, अरे कमाल से मुझे पेड़े नहीं खिलाओगी? खाने हैं पेड़े आपके मम्मी से। अरे पद्मिनी, मम्मी रुको, उनका पहला दिन है। आपको नई नौकरी से लगी है ना? पेड़े भी खिलाऊंगी और चाय भी पिलाऊंगी। आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। चलिए करुणा जी, हम आते हैं। मुझे करेले का जूस पिलाओ ना, आधा गिलास, बाकी मेरी सेहत का क्या होगा? आप अरे ले गई। अब इधर आओ, अब बैठो आराम, और ये पेड़े खाओ। हाँ, और तब तक मैं जूस भी पी लेता हूँ और वो पानी भी साफ करता हूँ। हाँ हाँ पी ले। बालवीर ब्रो, कहाँ हो तुम? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.